हस्बैंड वाइफ घर बाहर गए हुए थे, घर में आए थे, उसकी मम्मी के पास में फ़ोन आया कि वो घर, अब उसके दोस्तों ने फ़ोन करा कि वो पेट्रोल लेके घर की तरफ आ रहा है और कह रहा है कि मैं सबको मार डालूंगा पेट्रोल से आग लगा करके। दिवाकर भाटी, उसको उसका नाम मोंटी भी है और उसको अक्षय भाटी के नाम से भी कहते जानते हैं, उसने धमकी कल से दे रहा था वो हमको, वो पेट्रोल लेकर के आया। मेरे हस्बैंड को मालूम पड़ गई, उनकी तबीयत भी ख़राब होने लगी, मेरा भी घबराहट हुई, मैं फ्रेश होने चले गई। फिर जैसे वो आया, मेरे बच्चे ने कहा कि है ना इनको, इसको पकड़ो, जब तक मैं आई उसने उनका माचिस जला देगा। तो घर में दिए जलाए जा रहे थे, उस बच्चे के हाथ में दिए थे, मेरे बच्चे के हाथ में वो बंद छोड़ करके उसने पकड़ने कोशिश की कि वो पेट्रोल नहीं डाले, वो उसकी पेट्रोल की बोतल खुल गई। उसका हस्बैंड वाइफ घर बाहर गए हुए थे, घर में आए थे, उसकी मम्मी के पास में फ़ोन आया कि वो घर, अब उसके दोस्तों ने फ़ोन करा कि वो पेट्रोल लेके घर की तरफ आ रहा है और कह रहा है कि मैं सबको मार डालूंगा पेट्रोल से आग लगा करके। दिवाकर भाटी, उसको उसका नाम मोंटी भी है और उसको अक्षय भाटी के नाम से भी कहते जानते हैं, उसने धमकी कल से दे रहा था वो हमको, वो पेट्रोल लेकर के आया। मेरे हस्बैंड को मालूम पड़ गई, उनकी तबीयत भी ख़राब होने लगी, मेरा भी घबराहट हुई, मैं फ्रेश होने चले गई। फिर जैसे वो आया, मेरे बच्चे ने कहा कि है ना इनको, इसको पकड़ो, जब तक मैं आई उसने उनका माचिस जला देगा। तो घर में दिए जलाए जा रहे थे, उस बच्चे के हाथ में दिए थे, मेरे बच्चे के हाथ में वो बंद छोड़ करके उसने पकड़ने कोशिश की कि वो पेट्रोल नहीं डाले, वो उसकी पेट्रोल की बोतल खुल गई और सारा पेट्रोल घर में फैल गया, उससे हम फिसल गए और हमारे कपड़ों में भी पेट्रोल लगने से दियो से आग लग गई और मेरे हस्बैंड पूरी तरह से जल चुके हैं, मेरे बच्चा भी जल चुके हैं। क्या नाम है हस्बैंड का? चंद्र प्रकाश भाटी। और बेटे का? उज्जवल भाटी। ऐसा क्यों करा उसने? वो हमको कह रहा है कि मेरे साथ में त्यौहार मनाओ, जैसे मैं कहूँ वैसे मनाओ, मैं कुछ भी करता हूँ तो मेरे साथ में क्यों नहीं इंजॉय करते हो? रात के नशे में, रात से हमको परेशान कर रहा है। शराब के नशे में था क्या? हाँ, वो पी गया है और धूम मचा रहा है कि मैं सबको मार डालूंगा, सबको देख। अब आप क्या उसके खिलाफ शिकायत करोगे? हाँ, उसने सिलेंडर मांगे रात को, हमने सारे सिलेंडर छुपा दिए, हमको बहुत, हमने पुलिस वाले को कंप्लेन करी, गश्त देने वाले पुलिस वाले भी आए, उसको डांटा खड़ा, उसके बाद में उसको सिलेंडर भी दिया उसने। उस वक्त पुलिस ने नहीं पकड़ा क्या उसे? नहीं, उसको प्यार से समझाया कि उसको कहा भी पटाखे की वजह से भी ये कर रहा है तो अब मत करना। आपका नाम बताओ? मोना भाटी। उसने सिलेंडर से, सारे सिलेंडर में आग लगा के मारने की धमकी दी है, अभी भी घर में सबको परेशान कर रहा है, धमकी दे रहा है, अभी भी डीजल की बोतल लेकर के आया है सबको के मारूंगा। मेरे ससुर जी पैलेस में है, वो उठ नहीं सकते। ठीक है, आपका नाम बताओ। नमस्कार, मैं आशा लाल चंदानी सतग्रुप ग्रुप से आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारी यही कामना है कि ये दीपावली आपके घर में सुख शांति और खुशियां लाए और माता लक्ष्मी का आपके द्वार पर हमेशा आगमन होता रहे। तो आइए हम सब मिलकर इस दीपावली के शुभ दिन को एक साथ मनाएं। हैप्पी दीपावली, बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली के पावन पर्व पर शहरवासियों को व मेरे वार्डवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली पर लक्ष्मी माता का आशीर्वाद बना रहे, लक्ष्मी माता सब धन बरसाए और सब खुशी खुशी दिवाली मनाए। वह एक हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आह्वान था, वोकल में लोकल। तो चाइना का आइटम न खरीद कर आप इंडिया का आइटम खरीदे और जो लोग जरूरतमंद परिवार के लोग दिवाली पे सड़कों पर बैठ कर दिए और ये दिवाली का सामान बेचते हैं, कृपया करके उनसे जरूर खरीदें ताकि उनकी दिवाली अच्छी रहे और वह उनके चेहरे पर मुस्कान हो, वही एक अच्छी दिवाली है। धन्यवाद। मैं पार्षद रमेश चलन वार्ड पिछड़ा।